हरे कृष्णा। तो भाई आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में अगर देखेंगे तो एक ट्रेड बन रहा है जो कॉल साइड के लिए भी देख सकते हैं, और वैसे एक मेरा जो फेवरेट है ट्रेंड लाइन ये वाला 45 डिग्री वाला, तो वो भी दिख रहा है। तो अभी अप साइड में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मतलब अभी दिख नहीं रहा है वैसा कॉन्फिडेंस कि हाँ इसमें ट्रेड लिया जाए। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा अपना ट्रेड बन रहा है जो ट्रेंड लाइन पे, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, देखिए इसमें अप गया, एक बार रिटेस्ट किया और फिर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे ना तो वो वाला एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। धीरे धीरे चार्ट देखते देखते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और देखिए इसमें जैसे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, वॉल्यूम घटता जा रहा है बाइंग साइड के लिए, तो मजा नहीं है। और बैंक निफ्टी में कुछ ऊपर साइड में ज्यादा दिख भी नहीं रहा है कि मूव होगा, क्योंकि डे हाई से थोड़ा सा रिजेक्शन आता है तो आ सकता है, वॉल्यूम भी नहीं है इसमें। तो बैंक निफ्टी इग्नोर करेंगे, आज काम करेंगे निफ्टी में ही। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी जो है वो अगर डाउन साइड के लिए दिख जाए ना, तो थोड़ा सा प्लान करेंगे कि हम लोग अपना जो मेरा मेन स्ट्रेटजी है उस पर थोड़ा सा काम किया जाए। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया कि थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यहाँ से, मतलब ट्रैपिंग टाइप का लग रहा है कि निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता है। तो देखते हैं जैसा यहाँ पे होता है। बैंक निफ्टी में तो टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मैं जैसा स्टार्टिंग में ही बोला। और निफ्टी में थोड़ा सा है ऑप्शन है निफ्टी में कि अच्छा सामने का मूव दिखे, लेकिन अभी मजा नहीं आ रहा। और अभी अगर ध्यान से आप देखेंगे ना तो अब और एम पैटर्न बन रहा है। देखते हैं अभी जैसा होता है। तो वही 17,700 का पुट में मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि इसका ऑप्शन चेन भी कुछ वैसा ही दिखा रहा है। और 17,700 का पुट, इसमें एंट्री हो गया अपना भाई, और मात्र 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये 11 नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग को मिला है 73 पॉइंट समथिंग पे, मतलब 74 समझिए इसको। चलिए 10 पॉइंट दिख रहा है। अब रीजन इसका आप एक बार समझ लीजिएगा कि मार्केट डिप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे सेलर लोग भाग रहा है, और ऑप्शन चेन में भी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि डोमिनेंट है कॉल सेलर जो है। तो देखते हैं जैसे जैसे बुक होगा हम लोग बुक करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक झटका टाइप का भी दिख सकता है। मार्केट यहाँ से रिवर्स भी लेगा, लेकिन जो मोमेंट एक फास्ट मोमेंट में मिल जाएगा उसको हम लोग बटोरने का कोशिश करेंगे भाई। 47 10 पॉइंट हो गया, 10 पॉइंट में कुछ निकालो तो कुछ इसमें बुक करते हैं भाई प्रॉफिट अपना। पचासी पे लो, बस 10 पॉइंट क्या? दस पॉइंट बुक करके थोड़ा सा सेफ पोजीशन में आ गया है। अभी बुक नहीं हुआ है भाई, 85 पे लगा हुआ है। जैसे ही एक बार 85 का हिट करेगा ना तो हम लोग का ट्रिगर हो जाएगा वो वाला, सेल हो जाएगा वो वाला। 1 पॉइंट से बचा है, सॉरी लाइंस गिरो नहीं यार, जितना अगर गिरना है गिरो।
देखिए पुट साइड का ट्रेड ना हमेशा, चलिए हम लोग का निकल गया, चलो ठीक है अब थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अब हम लोग का जो ट्रेड है अब बहुत मतलब एक तरह से अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया है। 84 पॉइंट समथिंग पे था और 85 पे हम लोगों ने निकाल दिया उसको, कुछ को कुछ क्वांटिटी है। ऑप्शन में हमेशा जो है वो एक लॉट से प्रॉफिट नहीं बनेगा भाई, जब कीजिए थोड़ा सा लॉट बढ़ाइए। अब ये वाला ट्रेड से लॉस नहीं लेंगे हम लोग, चाहे कुछ हो जाए। रीज़न है, रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रीज़न है क्यों हमने ये वाला ट्रेड लिया भाई। एकदम प्रेम से यहाँ पे डबल टॉप बना है, देखिए हो सकता है ये रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रिटेस्ट पे लेते हैं तो शायद उनको यहाँ पे ये करे, और नहीं तो अगर साइडवेज होना होगा तो फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, ऐसे करते रहेगा। तो खैर कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम लोग सेफ पोजीशन पे हैं अभी। देखो नहीं बुक होता ना तो देखिए क्या 5.500 रुपया, सो समझ रहा हूँ ना बात। बड़ा बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में मतलब नहीं रहना है, जो मिल जाए दैट इज मोर देन इनफ। चलिए जैसा होता है हम लोग अपडेट करते हैं। देखिए जो हम लोग का डिसीजन था 10 पॉइंट पकड़ के हट जाने का, गलत तो नहीं था, अभी तक वहीं पे ड्रामा हो रहा है। तो इतना ड्रामा क्या देखना है भाई, एक फास्ट मोमेंट मिल जाए तो इसलिए हमेशा बुक करने का कोशिश कीजिए। अब थोड़ा निकल रहा है तो ठीक है, देखिए जैसा हमने कहा था कि हो सकता है ये रिटेस्ट करने जाए और फिर से डाउन साइड के लिए दिखाएगा। ठीक, तो हम लोग का यहाँ पे जो भी ऊपर जा रहा था तो धड़कन हम लोग का बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, हार्ट बीट नॉर्मल था। अब देखिए वो ये ट्रेड समझिए ना कि रिस्क फ्री था, कुछ प्रॉफिट आ गया था। अगर बहुत ज्यादा नीचे आने लगता तो हम लोग रेट टू रेट भी निकाल सकते थे, कोई बहुत ज्यादा उसमें ऑप्शन में कोई इतना डिसिप्लिन और ये सब नहीं देखा जाता है भाई, टारगेट और स्टॉप लॉस को लेकर के। अगर देखने में लग रहा है कि कुछ उठपटांग हो रहा है तो बस निकल जाओ, थोड़ी कोई ये है कि एकदम करना ही है इस तरह से। चलिए जैसा होता है हम लोग अपडेट करते हैं, अभी अपना प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो भाई इसमें अब हम लोग मैक्सिमम अपना लॉट काटेंगे, और बहुत होगा तो एक लॉट रखेंगे, और वो भी उसका जो स्टॉप लॉस है वो 75 के आसपास लगा करके छोड़ देंगे। रीज़न क्या है कि बहुत देर हो गया, इतना देर ऑप्शन में रुक करके कमाने का कोई मतलब नहीं है भाई। देखो साइडवेज टाइप का हो गया, ठीक है गिरेगा अच्छा बात है, लेकिन अपना प्रीमियम भी जा रहा है भाई, तो उसमें उतना देर रुकना नहीं है, एक मोमेंट का कमाई है ऑप्शन बस। तो इसमें हम लोग देखते हैं अगर संभव होता है तो इसको हम लोग निकाल देंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। चलिए जैसा होता मैं अपडेट करता हूँ। तो बताइए भाई हम लोग का डिसीजन सही था या गलत। जरूरी नहीं है कि एक बार मोमेंट देख के पता चल जाता है कि हाँ अब भाई मज़ा नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा देर टाइम वेस्ट हो जाए ऑप्शन में तो एग्जिट कर जाइए। मतलब ज़्यादा बढ़िया है री एंट्री करना, उसमें होल्ड करके रखे रहना बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। तो हम लोग वही अपना निकल गए थे, इसमें भी कोई लॉस नहीं लिए, ठीक है प्रॉफिट बहुत कम मिला, सिर्फ 10 पॉइंट के आसपास कुछ में मिला, और बाकी कुछ में भी 4-5 पॉइंट इस तरह से बुक हो गया है, तो फिर भी लॉस नहीं है अपना। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी करना है। बोलिए कि इसमें मेरा कोई गलत है, अगर किसी तरह से गलत हम लोगों ने ट्रेड किया है तो आप बताइए कि हाँ भाई तुम्हारा यहाँ पे गलती है, और अगर अच्छा है तो वो बताइए कि हाँ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा तो बस यही सिस्टम है भैया कि अगर मिल जाता है उसके बाद एक समझ में आ जाता है कि हाँ अब लग रहा है, कि एक अंदर से फीलिंग आ जाएगा कुछ दिन के बाद धीरे 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 धीरे। अब देख रहे हैं ना यहाँ पे हैमर बन रहा है, तो ये सब एक्सपीरियंस बता जाता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, मतलब तो रुकने का फायदा नहीं है, 15-20 मिनट यहाँ पे बर्बाद नहीं करना है, निकल जाइए आराम से। तो बस इसी तरह से सिंपल सिंपल लगाते रहिए, हल्का फुल फुल का कमाते रहिए, बात खत्म। चलिए और देखता हूँ मैं कोई, अगर कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर वीडियो होता है तो उसको बना करके अपलोड करूँगा। चलिए, और आप लोग से भी उम्मीद है कि
कि थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक शेयर वगैरह सब करते रहिए, चैनल को ग्रो करवाइए। क्या आप बताइए, 1,000-1,500 रुपये बना करके बैठे हुए हैं, मतलब हम लोग को थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए, मेहनत का कुछ मिले भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और आपसे भी मैं कहूँगा कि इसी तरह से जो बिगनर हैं उनको इसी तरह से बढ़ना होगा। आपको ये नहीं देखना है कि इतना मिलेगा तभी हम निकलेंगे, इतना मिलेगा तभी हम हटेंगे, स्टॉप लॉस काटेंगे, ऐसा नहीं। जो मिल जाए वही अपना है यार, बस जो बुक हो जाए वही अपना है, बाकी सब सपना है। हरे कृष्ण।